वेलकम टू ब्लू आईज। पिछले बार मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि ज्ञान का विचार जो प्रबोधन है पश्चिमी दुनिया के माध्यम से प्रचार प्रसार उसका किया गया और इसने काफ़ी हद तक शासन की प्रणाली और कला को भी प्रभावित किया, इस पर टिप्पणी करना है। देखो, इस क्वेश्चन को हमने क्या किया है कि आपने एक स्ट्रक्चर दिया है जिसमें तीन पार्ट में इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है क्वेश्चन को, जिसमें से पहला जो पैराग्राफ होगा उस पहला ग्राफ में आप लिखोगे कि किस प्रकार से प्रबोधन जो है कला के रूप को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। और दूसरे पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि ज्ञान जो है प्रबोधन कैसे सरकारों को प्रभावित करता है, इस पॉइंट को भी डिक्लेयर करना है। और थर्ड पॉइंट में आपको लिखना था तीसरे पैराग्राफ में निष्कर्ष। दोस्त जो जिन बच्चों ने भी इस आंसर को लिख करके सेंड किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कोशिश की और काफ़ी अच्छा कोशिश कर रहे हो आप लोग, कंटिन्यू करते रहिए। चलिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इस क्वेश्चन में देखो कैसे तुम स्टार्ट करोगे। देखो, जब इस क्वेश्चन की भूमिका बनाएंगे ना, मान लो कि फर्स्ट टाइम तुम क्वेश्चन को पहले एक ज़्यादा नहीं शब्द में, मुश्किल से 50 शब्दों में कम से कम उसके भूमिका बनाओ। जैसे मान लो मुझे लिखना होता तो मैं लिखूं कि जैसे 18वीं सदी के मध्य में, ऐसा कह सकते हो कि 18वीं सदी के मध्य में विचारों में परिवर्तन आया, इसे प्रबोधन के रूप में जाना जाता है। या थोड़ा सा और लगता है कि नहीं, थोड़ा सा एक और स्टैंडर्ड करके हम करना चाहते हैं तो सिंपल से लिख दो कि प्रबोधन मध्य वर्ग के दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता था 18वीं सदी में, या 18वीं सदी के बाद आप देखेंगे इसका प्रबोधन का प्रभाव दिखता है। तो एक तरफ क्या कहा जा सकता है कि एक तरफ से कह सकते हो कि प्रबोधन जो है कुछ नहीं, उनकी मांग थी। किन की? मध्य वर्ग की। क्यों? क्योंकि देखेंगे क्या कि उस जो 18वीं सदी के आसपास की बात है उसमें क्या होता था कि राजतंत्र होता था, कुलीन वर्ग होते थे और साथ में चर्च होता था। तो इन तीनों के समक्ष एक तरह से मांग पत्र ही तो प्रोवाइड किया जाता है मध्य वर्ग के द्वारा। तो और ये नथिंग बट दिस इज अ प्रबोधन। क्यों? क्योंकि इस समय क्या होता है कि लोगों के जो विचार होते हैं ना, विचारों में परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि इस टाइम लोग तर्क और विवेक की बात करने लगते हैं, साइंटिफिक लेवल से हर चीज़ को सोचने की बात करने लगते हैं। तो एक तरह से लोगों के जो रूढ़िवादिता चली आ रही थी, जिसमें जो चर्च के द्वारा कहा जाता था सब उसी को ब्लाइंडली फॉलो करते थे, तो अब जो बात होने लगी, अब लोगों ने अपने अपने तर्क से उस चीज़ों को सही और गलत की पहचान करने लगे। जैसे आप देखेंगे इस टाइम में कुछ जो चिंतक थे, कुछ थिंकर्स थे, जैसे आप देखोगे मॉन्टेस्क्यू हो गए, वाल्टेयर हो गया, जॉन लॉक हो गए, एडम स्मिथ की बात कर लो, तो इन सबों ने किस तरह से इस काल के, ये जो 18वीं सदी के जो काल के जो लोग थे उनके विचारों को कैसे परिवर्तित करता है। जैसे कुछ फील्ड में देख सकते हो कि इफेक्ट भी दिखता है, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में आप देख लो, राजनीतिक क्षेत्र में क्या करता है ये जो चिंतक होते हैं, ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि सीमित राजतंत्र की मांग करते हैं ये, ठीक है, सीमित राजतंत्र, लिमिटेड हो, ठीक है, क्योंकि प्रजातंत्र की नहीं बात, ये प्रजातंत्र की बात नहीं करता, ये कहता है कि प्रजातंत्र की नहीं, हमें सीमित राजतंत्र चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि सरकार जनता के लिए तो होना चाहिए लेकिन जनता के द्वारा नहीं, ठीक है, ये बात इन लोगों ने की। दूसरा आप देखोगे कि आर्थिक क्षेत्र में भी इन्होंने वाणिज्यवाद की बात की, एक्चुअली वाणिज्यवाद पर इन्होंने चोट किया ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिमांड रखा कि भाई मुक्त अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। आप एडम स्मिथ की जो बुक उन्होंने लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 के आसपास, उसमें कहा उन्होंने कि उसमें कहा कि एडम स्मिथ ने कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सभी को लाभ मिलता है, क्योंकि जिन्हें लाभ नहीं मिलेगा वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। लेकिन ये कब मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मान लो कोई कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड कोई कर रहा है तो सबको लाभ तभी मिलेगा ना जब अर्थव्यवस्था मुक्त होगी, ठीक है। और उसका यहीं पर देखोगे एडम स्मिथ इस बात पर भी जोर देते हैं कि कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकृति के नियम शाश्वत हैं उसी प्रकार बाजार के भी नियम होने चाहिए। वे नियम हो क्या हैं, वो उन्होंने कहा कि भाई ये नियम है बाजार का, मांग एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं आपूर्ति, मतलब जिस वस्तु की मांग होगी उसकी आपूर्ति होगी। तो उन्होंने कहा कि इसलिए बाजार को नियम, बाजार का जो नियम बने उसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको ध्यान में होगा कि एडम स्मिथ की बात की जाती है, क्लासिकल आर्थिक सिद्धांत की वो बात करते हैं, कहा जाता है ना कि आर्थिक क्लासिकल सिद्धांत के नींव किसने रखी, एडम स्मिथ ने। उसी तरह से तुम देखोगे कि जब सामाजिक क्षेत्र की मैं प्रबोधन की बात करता हूं उसमें क्या देखते हो कि व्यक्ति विशेष, मतलब व्यक्तिवाद या व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। प्रबोधन में देखेंगे आप कि व्यक्ति के महत्व पर बल दिया है, किंतु हमें यह भी एक बात याद रखना चाहिए कि प्रबुद्ध जो चिंतक थे जैसे वाल्टेयर हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गया, जॉन लॉक हो गए, ये लोग जो थे वो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी थे।
अतः ये क्या करते थे कि मध्य वर्ग के हित में सोच रहे थे। इनका मानना था कि सीमित राजतंत्र होना चाहिए, प्रजातंत्र नहीं, क्योंकि प्रजातंत्र की स्थिति में क्या होगा कि शक्ति जो है जनमानस के पास चली जाएगी। फिर क्या होगा कि मध्य जो मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी होने के नाते ये क्या चाहते थे कि शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास करते थे, क्रांति में नहीं। लेकिन आप देखोगे यहीं पे इनको यदि काउंटर करना हो तो यहाँ पे तुम देखोगे कि रूसो की बात कर सकते हो, क्योंकि रूसो क्या करता है, इन लोगों से ठीक विपरीत सोचता है। रूसो इनके जैसा नहीं सोचता। रूसो का मानना क्या है, रूसो समुदाय हित की बात करता है। अपना विचार व्यक्त किस में करता है, वो समुदाय के हित में। इसीलिए आप देखते होंगे कि इन सब थिंकर्स में और रूसो के थिंकर के विचार में काफ़ी डिफरेंस दिखता है। तो आप देखोगे कि 18वीं सदी या उसके बाद जो इनलाइटमेंट की बात होती है, तो इन सब का ऐसा नहीं था कि आदमी रात में सोया और सुबह जाग गया कि नहीं चलो हमें प्रबोधन की प्राप्ति होगी। नहीं, एक्चुअली होता क्या कि जो थिंकर्स थे इनके विचार उस समय बोलते हैं फ्लो में चल रहा था, और धीरे धीरे लोगों ने इस चीज़ को तर्क के रूप में विवेक के अनुसार जांच पड़ताल करना शुरू किया, अपने अनुसार कसौटी पे खड़ा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री का जब टॉपिक पढ़ते हो तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन में भी मैंने यही किया है, ये क्वेश्चन जो मैंने डिसाइड किया था तो ये क्वेश्चन था कि ज्ञान का विचार जो पश्चिमी दुनिया के द्वारा जिसका प्रसार प्रसार किया जाता है, उसने काफ़ी हद तक शासन प्रणाली में भी और कला देखोगे क्या कि कला पे भी प्रभाव डालता है। ऐसा नहीं है, अब जैसे पहले पैराग्राफ में देखो मैंने क्या, अब देखेंगे जैसे नैतिक कला मॉरल आर्ट में आप कह सकते हो कि अनैतिक और अश्लील होने पर भी उन्होंने क्या किया, आलोचनात्मक कला का विकास की, एक नई तरह की कला का विकास हुआ जो अनैतिक के बजाय नैतिक थी, ठीक है, लोगों को सही और गलत का भेद बताया। वहीं पर आप देखेंगे कि जो सामाजिक रूपरेखा है उसमें आप देखोगे कि महिलाओं को पुरुष आकृतियों की तुलना में ना देखते हैं कि थोड़ा सा डिम टाइप का चित्रित करते हैं, धुंधला चित्रित किया जैसे पृष्ठभूमि में रखा गया। आप देखेंगे कि यहाँ पे पितृसत्तात्मक समाज का विचार जो मजबूत होता है स्केल में, आप ये भी देखोगे तो किस तरह से ये सामाजिक चित्रण करता है, सामाजिक रूपरेखा का चित्रण करता है, ये भी यहाँ पे इफेक्ट दिखेगा यहाँ के कला में आप देखेंगे। तो दूसरे क्योंकि जब पुरुष और महिलाओं की जब तस्वीर बनाते हैं तो उसमें क्या कर देते थे कि महिलाओं की तस्वीर को ना थोड़ा धुंधला बना देते थे, तो इस टाइप का ही इन्फेक्ट इसमें आपको दिखेगा। उसमें दूसरा देखोगे आप कि शिक्षण जो संस्थाएं थी उनका भी विकास किया जाता है, जैसे अकादमी की गठन की जाती है, इस तरह से कुछ सामाजिक बोलते हैं ना वैचारिक क्रांति भी होती है। उसके बाद आप देखोगे कि कुछ पॉइंट यहाँ पे और भी आप डिटेल कर सकते हो, जैसे न्यू क्लासिकल आर्ट जो था उसका भी डेवलपमेंट किया जाता है। न्यू क्लासिकल आर्ट जैसे हो गया, मान लो दृश्य कला हो गई, तुम्हारा संगीत हो गया, साहित्य के कुछ नियम वगैरह जो मूल रूप से परिवर्तित हो गए। यहाँ पे आप देखोगे कि तर्कवाद और यथार्थवाद की प्रभावी हो गया, और कला जो है ना, जो कला है उसमें तर्कवाद और यथार्थवाद दिखाई पड़ने लगा। फिर आप देखोगे क्या कि यहाँ पे जो नैतिक कला की मैं बात करता हूँ, नैतिक कला में वही था कि जैसे अश्लीलता की जगह नैतिकता को, जो अश्लीलता हो गया अनैतिकता के जगह पे आलोचनात्मक रूप से कला का विकास होता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको लिखना था पहले पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में ये बताना था कि कैसे सरकारों को इसने प्रभावित किया। देखो इसमें तीन चार पॉइंट्स बन सकते हैं, जैसे इसने धर्म और नैतिक और सरकार, नैतिकता मतलब कह सकते हो कि कैसे इसने मनुष्यों को समाज की अलौकिक समझ का विरोध करने, मान लो कि हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बोलते हैं ना कि चर्च के रूप, चर्च क्या करता था, जो कहता था वहाँ की जनता उसी मानती थी, तो यहाँ कहा जाता है कि जो धर्म था, जो नैतिकता थी और जो गवर्नमेंट का रूल था, कहता है कि मनुष्यों को समाज की अलौकिक समझ का विरोध करने और प्राकृतिक और सामाजिक आदेश के रूप में जो ईश्वर द्वारा निर्मित किए जाते थे ना, चर्च का सिद्धांत क्या था उनका, यही था कि भाई चर्च ने कह दिया था आप उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, ठीक है, तो चर्च ने कह दिया उस पर सवाल नहीं उठाना, तो अब यहाँ पे चर्च के सवालों के विरुद्ध प्रश्न उठाने के लिए भी लोगों को मोटिवेट किया गया, प्रोत्साहित किया गया। तो इस तरह से आप देखोगे किस तरह से धर्म और नैतिकता और सरकार के बीच में सामंजस्य बनाई। दूसरा देखोगे क्या, यहाँ पे जो राजशाही था, जो अभिजात वर्ग थे, ठीक है, कुलीन वर्ग जिसको हम बोलते हैं, उसमें उस वर्ग में जो भ्रष्टाचार था ना, उसकी भी आलोचना करने में इसने मदद किया। दूसरी बात है लिबरल थॉट्स, उदार विचारधारा। अब देखो जो हम बोलते हैं ना कि विचारक जो थे, उन्होंने तर्कसंगतता की बात की, उनने कानून का शासन की बात की, स्वतंत्रता, समानता, उदारवाद आदि संबंधी जैसे विचार थे ना, इस समय लाए गए।
और साथ में जब देखोगे गणराज्य की जब मैं बात करूं तो कहने का मतलब ये होता है कि राजनीतिक रूप से आप देखेंगे कि समानता, स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रचार प्रसार ना यूरोप में सबसे ज्यादा हुआ, इस बात को ध्यान रखना। और दूसरी बात कि सरकार ने क्या किया कि गणराज्य जो तंत्र थे, ठीक है, रिपब्लिक सिस्टम की बात करता है, स्थापित होने से कई राज्यों में क्या हो गई कि राजशाही समाप्त हो गई। तो ये सब प्रभाव जनरली पड़ा है जो प्रबोधन को लेकर के, तो ये सेकंड पैराग्राफ में आपको लिखना था। तीसरे पैराग्राफ में आपको करना कुछ नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मुश्किल से 30 या 40 शब्द में आपको निष्कर्ष लिखना था। आप ऐसे लिख सकते थे कि देखेंगे कि प्रबोधन जो है ना एक तरह से आशावाद, यथार्थवाद, उदारवाद की पीरियड थी, अवधि थी, ठीक है, और इसने एक समझ का विकास किया, इसने विज्ञान तर्क की प्रगति और पुराने अंधविश्वासों को ना त्यागने की त्यागने के कारण क्या हुआ कि मनुष्य और मानव समाज किसी भी हद तक विकसित हो सकते थे, ऐसा इन्होंने माना। तो ये स्टेटमेंट करके आप निष्कर्ष में लिख सकते थे और उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने में टाइम क्यों लग जाता है, उसका कारण है कि आप लोग आंसर टाइम पे लिखते नहीं हो। यदि आप लोग टाइम पे आंसर लिखोगे तो मैं इसका आंसर जरूर प्रोवाइड करूँगा। और जो लोग लिख रहे हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और आप भी कोशिश करते रहिए। थैंक यू फॉर वेरी मच।